यहाँ पर आते हुए और थैंक यू कि आपने ये ओशो का नाम रखा हुआ। आज पूरे कच्छ में हम लोग जाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मांडवी में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे चल बुलू ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम मांडवी में आए हैं और तीन चीज़ों के बारे में खास हम लोग बात करेंगे। जहां पर ये जहाज आप देख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और ओशो के द्वारा यहां पर एक रेस्टोरेंट है वहां पर किस तरह से भोजन मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे खास के प्राइवेट बीच के बारे में, आपने मांडवी के बीच के बारे में समझा और देखा होगा और कहीं ना कहीं आपने वीडियो भी देखे होंगे, पर ब्राइट बीच के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी हम देखेंगे। पर यहाँ पर पहली बात करते हैं ये जहाज जो बन रहे हैं, अलंग जो है वो शिपिंग यार्ड है, वहाँ पर जो है जहाज की कटिंग होती है। पर मांडवी के आप बारे में कुछ जानते हैं कि मांडवी में नए जहाज यहाँ बनते हैं और ये देखिए किस तरह से नए जहाज यहाँ बनते हुए। और हम लोग चलते हैं मांडवी की गलियों में, ये देखिए कितने पुराने पुराने घर यहाँ पर संजो के रखे हुए पूरा मांडवी सिटी। और ये देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पर आज ओशो होटल में जा रहे हैं, इसकी तरह से यहाँ पर देखिए कितने सारे रास्ते और हर एक चीज़ आप देखिए बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और ये देखिए यहाँ की भीड़ बाजार, जहाँ बोलते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और थोड़ी से दूर चलते हुए यहाँ पर देखिए भीड़ वाला नाका बोलते हैं इसको, ये जो है वो राजाए समय से यहाँ पर है। और इस तरह से सिटियों में ये आपको देखने मिल जाते हैं और बहुत ही पुरानी सिटी यहाँ पर ये मांडवी। और यहाँ पर आ गए हम लोग भी ओशो रेस्टोरेंट के अंदर। चलिए ओशो रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं और किस तरह यहाँ भोजन मिलता है और कितने में मिलता है और कि ओशो और रेस्टोरेंट के बारे में कुछ कनेक्टिविटी है या नहीं वो जानते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं अंदर, क्योंकि ये ओशो रेस्टोरेंट है वो सेकंड फ्लोर पर यानी फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड और ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर ही इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह गए तो हमको जोरबा गुद्धा लिखा हुआ था, ओशो लिखा हुआ था। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट के अंदर के हम लोगों ने जब व्यू देखा बहुत ही हमको अंदाज जबरदस्त लगा। यहाँ के हर चीज़ हर एक दीवारों में ओशो की तस्वीर थी, ओशो से प्रेरित है पूरे। और इनके जो पूर्वज जो इनके दादाजी थे वो ओशो के सन्यासी थे और ओशो के हाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी, इस तरह से हमको ये जानने मिला। आज हम आए थे यहाँ पर होटल में आपकी, हमको बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताइए यार, ओशो नाम किस तरह पड़ा ये? होटल स्टार्ट हुआ था आज से 45-50 साल पहले। अच्छा 50 साल, ओके। मैं बिजनेस में फोर्थ जनरेशन। अच्छा फोर्थ जनरेशन, दादाजी के पिताजी ने स्टार्ट किया था तब नाश लगा था। अच्छा, फिर थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूँ, तब हमारी आ गई थाली, हम लोग अभी बैठते हैं खाने के लिए। और किस तरह से यहाँ भोजन या परोसे जा रहा है देखिए, कमल ढोकरा हमारे लिए आ गया है और ये हमारे परोसे जा रहे हैं कमल ढोकरा। और यहाँ पर सलाद आ चुका है और ये हमारे दोस्त को भी सलाद दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो सब्जी है दोस्तों ये कुछ खास है, यहाँ पर ये पूरी एक प्याज की सब्जी है, आलू और प्याज की, पर यहाँ पूरी तरह का प्याज। और ये जलेबा आ गया, जलेबी नहीं जलेबा था, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी का था। और ये हमारे दोस्त ने पूरी हमारे लिए रख दी। और देखिए हमारे दोस्त का अंदाज, ये दो गिलास छाछ के एकदम गाड़ी की छाछ थी। यहाँ पर पकौड़े आ गए, भजिया जिसको बोलते हैं। और ये जो देखिए आप, चटनी हमको उठाने भी नहीं दी, भाई आके खुद ही उसके ऊपर चटनी हमको यहाँ पर लगा के दी। और रोटी आ गई और इसके बाद मिर्च हमको दे दी, यानी पूरी एकदम से देखिए थाली, ये पूरी प्याज की ये देखिए आप। और ये देखिए सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी किस तरह से, ये सारी ये देखिए पनीर की सब्जी है। और कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी जबरदस्त यहाँ पर सब ख्वाई जो खुशबू उसकी आ रही थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। और हमारे दोस्त ने किस तरह खुश हो गए। और ये थाली खाने के बाद जो हमको लास्ट में जो डिसर्ट जो सर्व किया था, और ये देखिए हमारे दूसरे दोस्त जो आए थे उनके लिए भी ये सब परोसा जा रहा है। इनकी एक खासियत है कि इनको लास्ट जब बोलते हैं कि एक हाथ जोड़ना पड़ता है आखिरी रोटी के लिए, जो हाथ जोड़ना पड़ता है भाई अब मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अभी 20 वर्ष हो गए इस रेस्टोरेंट में आ गए। हाँ, और दादा को पहले से ओशो के प्रति बहुत लगाव था। अच्छा, बहुत प्रेम था उनको। और ओशो के संन्यास भी लिया था उन्होंने। अच्छा, आज से 40 साल पहले उन्होंने ओशो का, और कच्छ के लगभग पहले सन्यासी थे वो। अच्छा, तो पहले तो नाम अलग था, फिर जैसे ही उन्होंने ओशो का नाम लिया फिर उन्होंने ओशो की माला पहनी, ओशो के कपड़े पहने, ओशो के सन्यासी हो गए, फिर नाम डाल दिया ओशो का। सौ बातें पूछा ओशो, ओशो अपने गुरु के नाम पे नाम डाल दिया। और उन्हीं का मैसेज, हाँ, प्रेम से खिला, ध्यान से काम करो,
और सबको अच्छा लगना चाहिए, मजा आना। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा हमको भी भोजन करते हुए, और जिस तरह आपको कहा कि लास्ट जो रोटी कि हम लोगों ने प्रणाम करना पड़ा कि अभी हमको नहीं खाना है, तो भी हमको आपके जो इसका उन्होंने लास्ट रोटी में हमको दी, तो बहुत अच्छा लगा ये। तो यानी कि ये आपके दादाजी? जी मेरे दादाजी। ओके ठीक है, और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस मालवी में केटी सर रोड पर। अच्छा बिर गेट है उसके सामने। ओके केटी सर रोड बिर गेट उसके एकदम सामने हमारा ओशो का बोर्ड दिख जाएगा। ये पूरा आप देख ही रहे होंगे, ये सब लोकेशन मैंने डाल दिया है किस तरह से यहाँ पहुँचा जाता है। तो आप अभी जो देख रहे होंगे वो ओशो पे आने का रास्ता है, और ये आप ओशो के नाम से ही सब पीता है, और ओशो के नाम से ही यहाँ पर रेस्टोरेंट में आते हैं। दूर से जो ओशो के चाहक है वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ओशो को आज कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में। ओशो का आज उनके जाने के बाद आज पब्लिक को पता चला कि ओशो क्या थे। इतने सालों तक हम लोग इस नाम से अनजान थे, पर ओशो के जाने के बाद आज हमको एहसास हो रहा है कि उनके जैसा व्यक्ति आज यहाँ पर होता तो और भी कुछ प्रेरणा हमको मिलती। तो आज हम लोग ओशो के यहाँ पर रेस्टोरेंट आए हैं। वो आने वाले थे ओशो। अच्छा ओशो तो जयविलास पैलेस लेने वाले थे, पर विनोद खन्ना आया था ये लेने वाले थे। हाँ कुछ डील नहीं हुआ राजा के साथ उनका, फिर वो पूना चले गए, वरना ये जो पहले से वो ओशो ही लेने वाले थे। उनको कच्छ आना ही था। अच्छा उनका मैसेज भी था कि वो कच्छ आएंगे। कच्छ की तब सूखी धरती थी, तब उतना नहीं था, हरा भरा नहीं था। सूखी धरती को उन्होंने बोला था कि कच्छ की धरती को मैं नंदनवन बनाऊंगा, हरा भरा बनाऊंगा। वाह यहाँ पर मेरा एक भी सन्यासी होगा वहाँ एक एटमोस्फेयर बहुत पॉजिटिव होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। तो यानी कि आपके जो दादाजी थे ओशो के साथ कब मिले भी होंगे, और उनके साथ भी जी उन्होंने संन्यास लिया था, ओशो के हाथों से ही संन्यास लिया था और पुणे में लिया। अरे वाह उनके साक्षी में लिया। सर बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आते हुए, और थैंक यू कि आपने ये ओशो का नाम रखा हुआ। आज पूरे कच्छ में हम लोग जाते हैं वीडियो बनाते हैं, पर ओशो के नाम से हम लोग खुद भी उनके संन्यासी है, और हम लोग भी आने में मजा आना चाहिए। प्रेम से हो तो अलग बात है। ठीक है सर, देखिए इनका व्यक्तित्व देखिए, आज ओशो की तरह ये खुद भी हमारा इसी तरह सम्मान करते हैं। तो थैंक यू, आपने ये पूरा वीडियो देखा, और चल वीडियो ऑफिशियल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ओशो के नाम को आप फेमस करिए, और इस वीडियो को आपको सबसे ज़्यादा वायरल करना है दोस्तों। तो एक मुलाकात ली जाए इनके सारे स्टाफ के साथ जिन्होंने हमको इतना अच्छा भोजन कराया। ये पूरा इनका स्टाफ है, और किचन के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और ये देखिए पूरा इनका स्टाफ की आज पहले देख लीजिए यहां पर। इसके बाद हम गए किचन के अंदर के स्टाफ से मिलने के लिए, और किस तरह से वो भी वहां पूरे बना। आप देख रहे हैं पीछे, ये देखिए ये प्राइड बीच, मांडवी प्राइड बीच, और यहां पर क्या है प्राइड बीच का आपको मैं दिखाने जाता हूं। वहां पर देखिए, वहां पर ये जो बनी हुई है वो प्राइड सब है, और वहां पर आप रह सकते हो और इस बीच में मजा ले सकते हैं। यहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर आप देख सकते हैं रावल पीर की दरगाह है, वहाँ पर जो मंदिर है वो रावल पीर का है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी दूर यहाँ पर है मतिया देव का मंदिर। यहाँ पर देखिए ये है वैश्वरी समाज मतिया देव, और ये है देखिए रावल पीर, और ये है प्राइड बीच, और यहाँ पर देखिए पूरा नज़ारा जो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। आज पूरा इस जगह का हम लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, और पूरी मजा कर रहे हैं इस जगह पर। और पूरा आपने देखा होगा कि ओशो का हमारे जो रेस्टोरेंट में जो वीडियो लिया था, तो ये आप देख सकते हैं प्राइड बीच मांडवी, बहुत मजा आ रहा है, गजब का यहाँ पर सीन है। और मुझे तो एकदम से यहाँ पर आया कि यहाँ पर रह ही जाऊँ। ये देखिए मेरे दोस्त कुछ बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, आप आइए, बहुत ही बढ़िया जगह। वाह मेरे दोस्त